दोस्तों यहाँ पे मीरा भाईंदर की मेयर ज्योत्सना हसनाले हैं, इनके साथ कुछ नगर सेवक हैं जो इनसे अभी जो हम मौजूद हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल के पास है। इसको अब कोविड-19 रुग्णालय घोषित कर दिया गया है। जो मीरा भाईंदर की मेयर हैं ज्योत्सना हसनाले, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंस्पेक्शन के लिए आई थी कि यहाँ पे सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा है कि टेम्बा हॉस्पिटल को कोविड-19 हमने घोषित कर दिया है। यहाँ पे जो कोरोना पेशेंट है, यहाँ पे 14 पेशेंट हमारे पॉजिटिव पेशेंट है, 5 बाहर के हॉस्पिटल में है। तो इसमें हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तो उनकी निगरानी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ के जो डॉक्टर है उनके हाथ में जो इलाज है तो वो अच्छे से होना चाहिए, और यहाँ उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो उनके लिए PPE किट्स मिले कि नहीं और ICU बेड तैयार हुआ कि नहीं, इसकी जाँच के लिए हमारे साथ हमारे जो मेरे लोक प्रतिनिधि है, सरकारी नगर सेवक है, डॉक्टर जैन जी है, सुशील अग्रवाल जी है, प्रीति पाटिल जी है, तो उनको साथ में मैं लेके यहाँ पे आई थी कि क्योंकि इसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो यहाँ से डॉक्टर से वो बातचीत करके यहाँ पर कि जितनी भी समस्या होगी तो हम प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से उसको सॉल्व कर सके। तो आज उन्होंने उनसे डॉक्टर चकोर जी से बात की, अड़सुलकर जी है डॉक्टर, उनसे भी बात की। तो उन्होंने ऐसी बात रखी कि यहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर को हमने किया था, बुलाया था, उसमें से बहुत सारे डॉक्टर नहीं आए और नर्स भी बहुत सारी कम आई है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से जिन डॉक्टरों को यहाँ पर बुलाया है वो इस टेम्बा हॉस्पिटल में आए और इस मानवता का सेवा का काम करे, क्योंकि अभी ये समय है हमें उनको सपोर्ट करने का। और जब प्रशासन को ज़रूरत रहती है तो हमें सभी डॉक्टर्स को उनको मदद करनी चाहिए। आपकी जो भी सुझाव रहेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो प्रशासन के माध्यम से सॉल्व किए जाएंगे, और मैं चाहूँगी कि हमारे शहर की सुरक्षा के लिए डॉक्टर्स लोग को आगे आना चाहिए। तो इनका साफ साफ मैसेज है, ये मीरा भाईंदर की महापौर हैं और महापौर होने का दायित्व जो है कहीं ना कहीं वो निभा रही हैं। वो ये खास जो है आई हैं कि यहाँ पे जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनकी फैसिलिटीज क्या है। हालांकि मीरा भाईंदर के आयुक्त का इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान है, लेकिन मेयर होने के नाते, महापौर होने के नाते इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये भी सारे चीज़ को देखें, देख रेख करें। मिला जुला के इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो आई हैं वो एक प्रॉपर इन जो यहाँ पे इलाज चल रहा है कि नहीं और ये सारे चीज़ हो रहे हैं कि नहीं उसके लिए आए हैं। लेकिन इसमें कुछ और बात जो डिटेल्स बता पाएंगे ये हमारे ख्याल से एक नगर सेवक है डॉक्टर सुशील अग्रवाल, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे आज आने की विशेष वजह क्या है और क्या यहाँ का इंतज़ाम सब ठीक है। देखिए, आज यहाँ पे आने की विशेष वजह तो ये है कि मीरा भाईंदर के अंदर पिछले कुछ दिनों में कोविड के पेशेंट की संख्या बढ़ी है और इस अस्पताल को कोविड-19 रुग्णालय करके अंकित किया गया है। तो महापौर मैडम के साथ में हमें देखने आए थे यहाँ पे क्या व्यवस्था है, यहाँ पे बराबर डॉक्टर लोग की बराबर व्यवस्था हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, दवाइयाँ और पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट रहते हैं डॉक्टर लोगों के वो है या नहीं है। दूसरा, एक यहाँ पे आने का मुख्य कारण था कि ICU फैसिलिटी जो अभी तक टेम्बा हॉस्पिटल में या पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में नहीं थी वो जल्दी से जल्दी उसको शुरू करना है। इसके लिए यहाँ पे जो टेम्बा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे, महानगर पालिका के डॉक्टर्स लोगों ने प्राइवेट मीरा भाईंदर के प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है उनके डॉक्टरों की यहाँ पे मीटिंग भी ली थी और उनकी सहायता से यहाँ पे ICU जल्द से जल्द चालू करने की इनकी मंशा है। क्योंकि आज है अभी हमारे पास में कोई यहाँ पर कोई क्रिटिकल पेशेंट आ जाए तो रखने के लिए, उसको संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और ये ICU कैसे जल्द से जल्द चालू करे और कुछ उसमें कोई अड़चनें आ रही है क्या या आने वाली है, तो महापौर मैडम वही जानना चाह रही थी कि यहाँ पे कोई आपको अड़चन आ रही है किस तरीके से, क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और सभी डॉक्टरों का उत्साह मनोबल बढ़ाने के लिए एक सदिच्छा भेंट मैडम ने यहाँ दी थी और मीरा भाईंदर का पूरा दायित्व महापौर मैडम के ऊपर है, तो एक ये भेंट करने के लिए आई थी कि यहाँ पर और कितनी व्यवस्था और कैसी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। तो इन्होंने ये कहा, बात करते हुए कहा कि यहाँ पे जो क्या क्या व्यवस्था है और जो जिस व्यवस्था की ज़रूरत है, जैसा ये ICU पे बहुत जोर डाल रहे थे कि उसकी जो है अभी तक पूरी तरह से शुरुआत नहीं हुआ है, और यही सब देखने के लिए कहीं ना कहीं मेयर आई थी। मैं और प्रीति पाटिल हैं, ये इनसे मैं बात करता हूँ, ये क्या कहेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर प्रीति इस मामले में?
महापौर मैडम के साथ में हम लोग इसके लिए आए थे कि यहाँ के डॉक्टर्स जो यहाँ के जनता के लिए सेवा के लिए कार्यरत है तो उनको यहाँ पे पूरी सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, अगर नहीं है तो कुछ अधूरी है तो उनको पूरा करने के हेतु में हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है। तो ये डॉक्टर प्रीति जो हैं ये भी नगर सेविका हैं और ये भी वहाँ इसी जो मेयर हैं उनके साथ आई थी कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज है और हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। मेयर होने के नाते, मीरा भाईंदर की मेयर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि ये सारी चीज़ तो कहीं ना कहीं वो विज़िट करते हुए देखिए। डॉक्टर राजेंद्र जैन से जानते हैं कि ये जो आए यहाँ पे इनको मैंने बात करते हुए भी देखा तो क्या समस्या लेके आए और किस तरह का जो है आप समाधान या फिर किस तरह का जो है आप आगे चल करके जो यहाँ फैसिलिटीज है वो चाहेंगे। हम यहाँ पर महापौर मैडम के साथ में आए थे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है वो देखने के लिए और शुरू से जो अब तक हुआ है बड़ा ही अच्छा और सकारात्मक कदम हो रहा है। पहला स्टेप तो ये हुआ कि इसे हमने एक डेडिकेटेड कोविड 19 हॉस्पिटल डेडिकेट कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारी जो मैन पावर थी, जो हमारी मशीनरी थी वो सेंट्रलाइज हो गई और जो डिसमिनेशन था, जो फैलने का अलग अलग खतरा था, जो हॉटस्पॉट बन सकते थे वो हमने एक जगह कर दिया। अभी दूसरी बात यह है कि जब हमने एक जगह कर दिया है तो यहाँ पर हमें फैसिलिटीज़ को इसको एक्टिवेट करना है। तो प्रशासन ने भक्ति विद्वान के डॉक्टरों से मिलके, डॉक्टर संखी का नाम मैं खास लेना चाहूँगा, उनके साथ मिलके उन्होंने यहाँ पे पूरी व्यवस्था की है। वेंटिलेटर 20 उन्होंने यहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था की है, स्टाफ और प्रोक्योर कर रहे हैं, जो स्टाफ उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है कि अब हमें प्राइवेट डॉक्टर्स मिले, प्राइवेट नर्सेज मिले, उन्होंने एड भी निकाले हैं। तो कुल मिला के रोज़ दिन पर दिन प्रगति हो रही है और हमें आशा है कि हम इसको जल्द से जल्द पूरी ताकत से अच्छे तरीके से शुरू कर पाएंगे। ये सुरेश खंडलवाल जी हैं, प्रभाग क्रमांक 8 के जो है नगर सेवक हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेयर के साथ यहाँ पे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहेंगे। देखिए आज महापौर मैडम के साथ हम सभी ने यहाँ पर आकर ये जो विज़िट किया है इसका मेन उद्देश्य ये था कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर इस हॉस्पिटल को कोविड 19 जो डिक्लेयर किया है यहाँ पर ICU की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई है और ICU की सुविधा शुरू करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी ये सुविधा शुरू हो। इसके लिए हम सभी लोगों ने आज यहाँ पर आकर डॉक्टरों से, जो यहाँ के जो सरकारी डॉक्टर हैं उनसे, चकोर साहब और अर्सुल साहब से बात की। उन्होंने हमें ये बताया कि हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेनिंग जो स्टाफ चाहिए, जो नर्सेज और जो ICU को हैंडल करने के लिए जो स्टाफ चाहिए उसके लिए अभी उनकी कोशिशें जारी है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है मीरा भाईंदर के, इन्होंने अनुरोध किया है उनसे कि वो अपने अपने हॉस्पिटलों के जो स्टाफ है उनको यहाँ भेजें ताकि हम उनकी सेवा यहाँ पर ले सकें। उसके अलावा ICU के अंदर जो उपकरण है वो उपकरणों की अभी यहाँ पर सप्लाई शुरू है और हमें यह बताया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शनिवार मतलब कल या मंडे तक सारे उपकरण आ जाएंगे। और यदि स्टाफ, यदि यहाँ पर सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने कोऑपरेट किया और स्टाफ हो गया तो 100% हम सोमवार को ही ICU यहाँ पर मरीजों के लिए शुरू कर सकते हैं। पे यदि कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई किसी भी पेशेंट की तो उसके लिए ICU का होना बहुत ज़रूरी है और ये सोमवार तक शुरू हो जाएगा। यहाँ अभी तक ICU की सुविधा नहीं है, ICU की फैसिलिटी यहाँ पर ICU की सुविधा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी फेयर आइसोलेशन वार्ड है, यहाँ पे पेशेंट को रखा गया है। कल को यदि किसी पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है तो उसको फिर यहाँ से आगे भेजना पड़े, इसके लिए प्रायर हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में ICU का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ पे अभी 20 बेड का एक ICU यहाँ पर ऊपर तैयार किया गया है और उसके लिए सारी यहाँ पर तैयारी चल रही है। उसी का जायज़ा लेने के लिए हम सभी महापौर के साथ में सभी साथी नगर सेवक यहाँ पर आए थे देखने के लिए ताकि जल्दी से जल्दी ये शुरू हो सके। इसके लिए उम्मीद है कि सोमवार से यहाँ पर ICU शुरू हो जाएगा। ये थे सुरेश खंडेलवाल जी, जो खास जो बेन जो वजह बताई कि यहाँ पे जो है ICU की सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी पेशेंट की अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो उसको यहाँ पे ही पूरी तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सके और जब ये तब पॉसिबल है जब ICU की सुविधा होगी, नहीं तो कहीं और भेजना पड़ता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट आने हैं, क्योंकि इसको कोविड-19 घोषित किया गया है तो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट आने हैं तो वो भी एक दो दिन के अंदर इन्होंने कहा है कि सैटरडे तक आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि कोरोना एक जो संक्रमण है ये बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन राहत की बात ये है कि पिछले दो दिन से जो रिपोर्ट आ रहे पॉजिटिव के वो थोड़ा सा राहत देने वाले हैं। कल एक भी जो है पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन आज जो है एक पॉजिटिव आया है। कल तक 19 पॉजिटिव यानी 19 एक्टिव पॉजिटिव थे, एक्टिव पेशेंट थे कोरोना कोविड-19 के, लेकिन आज जो उसकी संख्या हो गई 20। मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल बता दूँ, अब तक मीरा भाईंदर के 23
कोविड कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से दो रिकवर हो गए, जिनका रिपोर्ट निगेटिव आया है उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, एक की डेथ हो गई थी और कल तक ये आंकड़ा 19 पॉजिटिव एक्टिव पॉजिटिव था, लेकिन आज जो है 20 हो गया है, क्योंकि आज एक पॉजिटिव केस और आए हैं। ये पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही ओपीडी, जो यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, काउंटर है, यहाँ पे जो है पेशेंट जो है यहाँ पे आते हैं और फिर वो नंबर लेकर के जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो ये पूरी तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं दिख रहा है, यानी जब से इसे कोविड-19 घोषित किया गया है इस हॉस्पिटल को, तब से जो और दूसरे कोई भी बीमारी है, दूसरे किसी भी बीमारी का इलाज यहाँ पे नहीं होता है, उस सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड लोग ही जो है यहाँ पे हैं मौजूद, और आइसोलेशन वार्ड में भी हैं, अलग अलग जो है उसकी फैसिलिटीज को और इसकी फैसिलिटीज को बढ़ाई गई है, और मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे का इस पर विशेष ध्यान है, और वो जितना वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस जो पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है, इसमें जो है वो सारी सुविधाएं हो जो एक कोविड-19 से पीड़ित पेशेंट को या फिर उससे प्रिकॉशंस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसके लिए भी जो रखा जाना है वो यहाँ पे। जब